आज हमारी बैठक जो है मासिक मैट दर महीना 7 तारीख को यहाँ होती है कल्याण मंच की। तो आज हमारी बैठक में जो है मेन मुद्दा जो रहा पेंशन के जो छठे वेतन की समस्या है उसके बारे में चर्चा होगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी कल्याण मंच की बैठक 7 मार्च 2022 को शिमला में हुई थी। ओवर में वहाँ जो है फैसला दिया था कि जब भी कार्यरत कर्मचारियों को जो छठे वेतन की सिफारिशें लागू की जाएंगी आपको भी उनके साथ दे दिया जाएगा। तो उसके उपरांत जो है हमारे माननीय परिवहन मंत्री की BOD की बैठक जो धर्मशाला में 18 जून को हुई है, उसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष बलरामपुरी जी जो कि BOD के मेंबर भी हैं वो भी उसमें उपस्थित रहे। वहाँ पर जो है ये फैसला लिया गया और पास कर दिया इसको कि कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई जून पेड जुलाई और पेंशनरों को जो है जुलाई पेड अगस्त छठे वेतन इस वर्षों को लागू किया जाएगा, जो कि कार्यरत कर्मचारियों का जो है बहुत बन रहा है, परंतु इसमें भी अविलंब हो रहा है कि क्योंकि इनको जुलाई जून पेड जुलाई मिलना था परंतु अभी तक इनका बनकर तैयार नहीं हुआ है। और पेंशनरों के लिए जो है इन्होंने अभी तक आज भी सूचना जो है प्रबंधन ने जारी नहीं की है, परंतु अभी अभी थोड़ी देर पहले शिमला हमारी बात हुई है तो शिमला से आदेश ऐसे आए हैं फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में जो है पेंशनों की जो है छठे वेतन की नियो की सिफारिशें को उसकी अधिसूचना जो है जारी कर दी जाएगी। अगर जारी हो जाती है और समय रहते जैसे ही माननीय परिवहन मंत्री से और मुख्यमंत्री से बैठक हुई है अगर हमें जुलाई पेड अगस्त जो है इसको पेश के को दे दिया जाता है तो हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे और प्रबंधन का भी आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी समस्या हमारी पेंशन के स्थायी समाधान की रह जाती है, जो कि अभी तक सरकार जो है उसको नहीं कर पाई है। 4-4.5 साल सरकार को हो गए हैं और हमने पिछली सरकारों के सरकार में भी और इस सरकार में भी बहुत से धरने प्रदर्शन किए और मांगें रखी परंतु अभी तक आश्वासन नहीं मिले हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि और राज्यों से इसकी समीक्षा लेंगे कि कौन से राज्य में कैसे स्थायी समाधान पेंशन का किया गया है, अगर समीक्षा कोई ऐसी आती है दूसरे राज्यों से तो हम भी इसको माननीय मुख्यमंत्री ने बुला लिया था ना, तो 9 मार्च को हमारा धरना प्रदर्शन रखा हुआ था तो जब बैठक के लिए सरकार ने हमें बुला लिया तो उसमें तो धरने का सत्य नहीं रह जाता है। अब कुछ लोग जो हैं जो अनऑथराइज जो संगठन बना रखे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, मगर बात तो फिर आखिर टेबल पे होगी और टेबल पे हमारी बात हुई है। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें भी बैठक के लिए बुलाया और वही अधिसूचना हमें जारी हुई थी उसकी कॉपी उन्हें देकर उनको भी शांत कर दिया, तो उसमें धरना प्रदर्शन करने का तो क्या नहीं बनता है।